मेरे कॉलेज में ना एक लड़की थी जिसको पटाने में मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे, और इतना ही नहीं जब वो पट गई ना तो उसके बाद मुझे और भी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे। उसके नखरे इतने थे ना कि जितना उसका एक लिपस्टिक का कॉस्ट आता था ना उतना तो मेरे महीने भर का पॉकेट मनी मिलता था। फिर क्या था, मेरी गरीबी से तंग आके वो मुझसे ब्रेकअप कर ली और एक अमीर लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना ली। और हाँ, ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, कहानी में जो ट्विस्ट तब आया जब मैंने अपना खुद का मोमोज का स्टॉल शुरू किया। स्टार्टिंग के टाइम में तो मुझे बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी, कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन में सिर्फ और सिर्फ मोमोज के 50 से 60 प्लेट ही बिका करते थे। और उसके बाद मैंने ये वाली वीडियो देख ली। अभी हमको मंजिल भूलना नहीं है, कहा गया है दोस्तों मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। अभी के टाइम में मोमोज बेच के मैंने अपना घर बंगला और बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी ली है। कल जब मैं पाव भाजी बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे अगल बगल कुछ चल रहा है। मैंने बार बार आवाजें इग्नोर करने की कोशिश की, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे छत के ऊपर से कोई नाच रहा है, कभी कभी तो ऐसा लग रहा मेरे अगल बगल से कोई गुजर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही। फिर पाव भाजी बनाने के लिए मुझे कुछ पानी की जरूरत थी, तो पानी घर पे था नहीं तो पानी लेने कुआं गया। जब कुआं से पानी भर के लौट रहा था तो एक औरत बैठ कर रो रही थी। मैंने जाके उससे पूछा, बहन जी क्या हुआ, तो उसने बोला बूढ़ी अंकित। और ये सुनते ही मैं डर गया पता नहीं क्यों। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो पूरी गंजी थी, मैं समझ गया ये जरूर वो गंजी चुड़ैल है जिसके बारे बिरजू कल रात को मुझे बता रहा था। मैं भागते हुए घर आया और मैं घर आके ये बात किसी को नहीं बताया। और जो मैं पाव भाजी बना रहा था, मैं पाव भाजी बनाने के दौरान भी मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरा नाम लेके चिल्ला रहा है, फूडी अंकित फूडी अंकित। मैं एकदम डर गया था। और हाँ, मैं तो आपको बता नहीं भूल गया, आज मैंने प्रिया फूड्स के पाव भाजी मसाले से पाव भाजी बनाई है। गाइस, गंजी चुड़ैल पूछ रही मैं नेक्स्ट स्ट्रीट फूड कौन सा बनाऊं। मैं आपको बता दूं, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ना वहाँ से बड़े बाप के बच्चे पढ़ते थे। गरीब तो छोड़ो, मिडिल क्लास के बच्चे भी नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन एक न्यू रूल के कारण मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल गया। और मैं वहाँ एकदम साधारण से कपड़े पहन के कॉलेज जाया करता था और सारा कॉलेज मिलकर मेरा मजाक उड़ाया करता था, खास करके प्रिया नाम की लड़की जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। मुझे बस वो कॉलेज से पढ़ाई करके निकलना था, इसलिए मैं उन सबकी बेइज्जती सहते रहता। एक बार कॉलेज की छुट्टी के बाद जब मैं बाहर गया तो देखा मेरी साइकिल किसी ने पंचर कर दी और पीछे से जोर से हंसने की आवाज आई। प्रिया ने कहा, क्यों निकल गई हवा? मैं समझ गई ये जरूर प्रिया और उसके दोस्तों का काम। मैं चुपचाप वहां से साइकिल लेके निकल गया। तभी एक चमचमाती हुई गाड़ी आई प्रिया को लेने के लिए, लेकिन इस बार उसमें ड्राइवर के साथ उसके पापा भी आए। प्रिया गाड़ी में बैठी और आगे बढ़ी, तभी उसकी कार मेरे बगल से पार हो रही थी। तभी फिर प्रिया ने खिड़की खोला और मेरे तरफ कुछ चिल्लर पैसे फेंके और मुझे कहा, ले इससे अपनी पंचर बना लेना, और जोर से हंसने लगी। तभी अचानक उसके पापा ने कार रोका और मेरे पास आकर बोलने लगे, अरे सर आप यहाँ पे, आप भी इस कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? मैं प्रिया की इस गलती से आपसे माफी मांगता हूँ। तभी प्रिया चिल्लाकर बोलती है, पापा आप इस डफर से माफी क्यों मांग रहे हो? तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा ये तुम क्या कह रही हो, आज इन्हीं के वजह से तो हम करोड़पति है। मेरे घर के पास ना एक कॉर्न चाट का दुकान था, तो मैं वहाँ पे हर रोज कॉर्न चाट खाने जाता था। और मैं एक दिन नोटिस किया कि एक आदमी आता है कॉर्न चाट खाता है और बिना पैसे दिए चले जाता है, और ये चीज मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा था। तो चुगली का आदत तो मेरा बचपन से ही था, तो मैंने जाके डायरेक्ट दुकान के मालिक को बोल दिया कि आपके यहाँ एक आदमी आता है और रोज भीड़ में कॉर्न चाट खाता है और बिना पैसे दिए भी चला जाता है। तो उस दुकान का मालिक बोला, जानता हूँ मैं। मैं बोला, अगर आप जानते हो तो आप उसे रोकते क्यों नहीं? फिर दुकानदार ने जो बोला उसे सुनकर मेरी आंखें खुल गई। उसने कहा, उसके वजह से ही इतनी सारी भीड़ मेरी दुकान पे आती है। मैं बोला, कैसे? उसे जब जब भूख लगती है वो ये दुआ करता है कि भगवान करे इस दुकान में बहुत सारे भीड़ हो और मैं जाके अपना पेट भर लूं।